हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं चावल और उड़द दाल से बने पापड़ की रेसिपी। ये पापड़ बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है। इन पापड़ों को बना करके 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। तो चलिए इन्हें बनाना देखते हैं। इस पापड़ को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी चावल, ये बिल्कुल छोटे वाले चावल हैं, और 1/2 कटोरी उड़द दाल, ये धोई हुई उड़द की दाल है। चावल और दाल को एक बड़े साइज के बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और इन्हें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ लीजिए, चावल और दाल को हमने धो लिया है। अब इसे हम एक कुकर में डाल देंगे, क्योंकि आज इस चावल दाल को हम कुकर में पका के ही पापड़ बनाने जा रहे हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो जिस कटोरी से चावल नापा था उसी कटोरी से नाप करके 6 कटोरी पानी ले लेंगे। अगर चावल और दाल मिला के 1 कटोरी होता तो हम इसका 4 गुना पानी लेते, लेकिन दोनों मिला के 1.5 कटोरी है तो हम 6 कटोरी पानी लेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे और कुकर की लीड लगा करके इसे रख देंगे पकने के लिए। शुरू में हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे, जैसे ही प्रेशर बनने लगेगा लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 3 से 4 विसल आने तक पका लेंगे। 3-4 विसल आ गया है, चलिए खोल करके देख लेते हैं कुकर को। तो यहाँ देखिए, पूरा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। चावल के दाने अभी भी खड़े खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसे किसी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे। चावल अभी हमारे बिल्कुल गरम गरम है, गरम गरम में ही इसे अब हम मैश करेंगे, क्योंकि ये जो खड़े खड़े दाने हैं इनको बिल्कुल मैश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक गिलास लिया है जिसका तला फ्लैट है, इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और दबाते हुए मैश कर लेंगे। ऐसा करने से सारे दाने आपस में मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही लचीला सा डो बन के तैयार होगा, जिससे हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे, ना टूटेंगे ना फटेंगे। ग्लास की जगह आप कोई भी फ्लैट तले वाला कटोरी, लोटा या फिर मैशर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, एक भी खड़ा दाना अब इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसे चलिए इकट्ठा कर लेते हैं। चावल और दाल बहुत अच्छे से पका था, इसलिए बहुत ही लचीला और सॉफ्ट डो बन करके तैयार हुआ है। इस डो से जब पापड़ बनाएंगे तो पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे, इसलिए अच्छे से गला करके पकाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लीजिए, हमने डो को इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट के ले लिया है और थोड़ी सी धनिया की पत्ती ली है। इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे जीरा, कलौजी, अजवाइन, चिली फ्लेक्स, जो भी मसाले आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ लीजिए, मसालों को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके पापड़ बनाने चलते हैं। पापड़ बनाने के लिए इसकी पहले लोई बना लेंगे। तो हाथों में हल्का सा ऑयल लगा करके फिर इसकी लोई बनाएंगे, तो ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से लोई बन रही है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, और ये डो हमारा ठंडा भी हो गया है, गर्म भी नहीं है। तो यहाँ पे लीजिए, हमने थोड़ी सी लोई बना करके तैयार कर ली है। चलिए इसके पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए छोटा सा प्लास्टिक का सीट लेंगे, इस पर ऑयल लगाएंगे और एक लोई रखेंगे। ऊपर से फिर से एक प्लास्टिक सीट रखेंगे और किसी भी चकले, थाली या प्लेट से दबाते हुए पापड़ बनाएंगे। तो यहाँ देखिए कितने आराम से पापड़ बन रहा है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रहा है, बस हल्का सा प्रेस करिए और पापड़ बन के तैयार हो जा रहा है, क्योंकि डो बहुत ही लचीला है। चलिए अब इसे फैला देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक सीट बिछा ली है, इस पर हम पापड़ फैलाएंगे और किनारों को प्रेस करते हुए ऊपर से प्लास्टिक सीट को निकाल लेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट प्लास्टिक सीट पे रख करके भी पापड़ बना सकते हैं। इस तरह से थाली या प्लेट से दबाते हुए देखिए, बहुत ही आराम से पापड़ बन जाता है। इसमें पापड़ों को बना करके उठा के फैलाने की भी जरूरत नहीं है, बस जहाँ पे पापड़ आपको डालना है वहीं डायरेक्ट लोई रखिए और दबा के पापड़ बना लीजिए। तो यहाँ देखिए, ढेर सारे पापड़ हमने बना लिए हैं। अब इनको हम पंखे की हवा में सुखा लेंगे और 1-2 घंटे के बाद ये जब ऊपर से थोड़े से सूख जाएंगे तो इन्हें हम पलट देंगे। तो यहाँ देखिए, प्लास्टिक सीट को कितने आराम से ये छोड़ दे रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं। अब इस तरह से पलट देंगे तो पापड़ जल्दी से सूख जाएंगे दोनों साइड से। तो रात भर पंखे की हवा में हमने इसे छोड़ दिया था और सुबह तक देखिए पापड़ हमारे सूख गए हैं। और पापड़ देखिए कितने अच्छे बने हैं। चलिए अभी इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। पापड़ हमारे सूख गए हैं और फ्राई करने के लायक हो गए हैं, लेकिन अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो इन्हें 1-2 घंटे की धूप जरूर दिखा दीजिएगा। इससे इसमें जो थोड़ी बहुत सी नमी होगी, मॉइस्चर होगा, वो निकल जाएगा और पापड़ हमारे सालों साल चलेंगे।
तो ये लीजिए, पूरे एक घंटे की तेज धूप में सुखाने के बाद पापड़ हमारे तैयार हो गए हैं स्टोर करने लायक। अब आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, ये पापड़ सालों साल चलेंगे। पापड़ हमारे कितने अच्छे बने हैं ये देखिए, बिल्कुल हल्के और ट्रांसपेरेंट बने हैं, उंगलियां भी नजर आ रही हैं। चलिए इनको फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करना होगा धुआं निकलने तक, उसके बाद लो फ्लेम पे हम पापड़ फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए पापड़ हमारे कैसे फूल रहे हैं, जबकि इन पापड़ों को बनाने में हमने ना तो पापड़ खार का यूज़ किया है और ना ही सोडा का, फिर भी बिल्कुल फूले फूले पापड़ बन रहे हैं। ये पापड़ बहुत ही हल्के होते हैं, टेस्टी होते हैं, क्रंची होते हैं। चावल के साथ उड़द दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इन पापड़ों में, और इसमें जो मसाले पड़े हैं उससे भी ये पापड़ टेस्टी हो जाते हैं। तो यहाँ लीजिए पापड़ हमने फ्राई कर लिए हैं। ये पापड़ टेस्टी होने के साथ साथ बेहद कुरकुरे, करारे और क्रंची भी होते हैं, बिल्कुल हल्के पापड़ होते हैं। बस हल्का सा देखिए टच करते ही पापड़ टूट जा रहे हैं और बिल्कुल मिल जा रहे हैं। तो अगली बार जब आपको भी चावल के पापड़ बनाने होंगे तो उसमें थोड़ा सा उड़द दाल डाल करके बनाइएगा, फिर उसे टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छे पापड़ बनेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।